हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग गवर्नर जनरल के इतिहास को पढ़ रहे थे और ये गवर्नर जनरल के इतिहास वाली जो टॉपिक है इसको मैंने पहले भी नोट्स बना के पढ़ा चुका हूँ, बट उसके बावजूद भी मैं आपके सामने एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप भूली हुई चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। तो हम लोग पिछली क्लास ले रहे थे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और आगे भी ये क्लास इसी तरह से जारी रहेगी। तो आइए आज हमारे पढ़ने के लिए जो स्पेशल टॉपिक है वो क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल जो थे, ये कैसे हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे एक वॉरेन हेस्टिंग था ना, वो एक अलग व्यक्ति था, और यहां पर देखिए हेस्टिंग है ये अलग व्यक्ति है, दोनों को कभी एक साथ मत समझिएगा। वॉरेन हेस्टिंग एक अलग व्यक्ति है और हेस्टिंग एक अलग है। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और ये भी एक बंगाल का गवर्नर जनरल जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो वो वहां से था बंगाल का। अब इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद होगा वो कुछ समय बाद जो है, इसके बाद जो विलियम बेंटिक आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके समय में गवर्नर जनरल के पद को उठाकर बंगाल का ना कहकर उसको भारत का गवर्नर जनरल बुलाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि क्या कुछ हमें नया पढ़ना है। सबसे पहली बात तो कब से कब तक गवर्नर जनरल था, सबसे पहली बात यही आपको जान लेना है। तो इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, मैंने बताया था 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके बाद से लेना था, तो 13 से लेकर के 23 साल तक, पूरे के पूरे 10 वर्ष तक ये गवर्नर जनरल के पद पर बना रहा। तो ये आपको याद रखना, 13 से लेकर 23 तक। अब बात आती कि सर लॉर्ड हेस्टिंग ने किया क्या। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में आपको बताऊं, लॉर्ड हेस्टिंग जो पिछले गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक नीति निकाली थी, दो तरह की नीति हम लोगों ने पढ़ा था, एक अहस्तक्षेप की नीति और एक सहायक संधि वाली नीति, ठीक है। तो जो अहस्तक्षेप की नीति थी उस नीति को जो है इसने खत्म कर दिया, कहा नहीं अब हमारी सरकार क्या करेगी, किसी भी अहस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं करेगी। डायरेक्टली क्या कर दिया, मना कर दिया। इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि हम हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन करते हैं, उसको समाप्त करते हैं, मतलब शुरू से ही इसका टारगेट ही था कि हम हस्तक्षेप करेंगे, हम हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे, ये इसका टारगेट था। तो इसने क्या किया, अहस्तक्षेप की जो नीति थी उसका परित्याग कर दिया, उसको त्याग कर दिया। अच्छा, इसका परित्याग किया तो इसके बाद कौन सी नीति का फॉलो किया इसने, तो इसने फॉलो किया दोस्तों विस्तारवादी नीति का। किस सिद्धांत पे चला ये कंपनी को विस्तारवादी नीति के आधार पर लेके आगे बढ़ा। सर विस्तारवादी नीति तो डायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हम कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करेंगे, यानी जो आपका लॉर्ड वेलेजली था उसने सहायक संधि के माध्यम से कंपनी के साम्राज्य में विस्तार किया था, और लॉर्ड हेस्टिंग अपने तरीके से क्या करेगा, ये विस्तार करेगा। अब देखो जो वेलेजली था उसने भी कंपनी के साम्राज्य को बड़ा विस्तार किया, क्योंकि आपको पता होगा जैसा कि हैदराबाद के निजाम जो है सहायक संधि के हस्ताक्षर करके शामिल कर लिए थे अपने आप को, अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिए थे। उसके अलावा पेशवा, सिंधिया, भोंसले, उधर राजस्थान के बहुत सारे राज, मराठे, ये सभी जो आके सरेंडर कर गए थे। लेकिन पता है इस व्यक्ति की मैं बात करूं, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात करूं, तो हेस्टिंग जो है इस तरह की सहायक संधि पे भी नहीं चलना चाहता था। नहीं, हम सहायक संधि नहीं करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, मार मार के हराएंगे, और हरा करके तब उसके राज्य को कहां शामिल करेंगे, अपनी कंपनी की सीमा में शामिल करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसकी विस्तारवादी नीति के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने इस लाइफ टाइम में, मतलब लाइफ टाइम नहीं, वो 10 साल का जो पीरियड था, उस 10 साल के पीरियड में इसने कुल 28 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े, 28 युद्ध लड़े। इसके अलावा 120 से अधिक किलों पर इसने विजय हासिल किया। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी जीत हासिल करना ये किसी आम गवर्नर जनरल की बस की बात नहीं थी, मतलब इसकी नीतियां, इसके अनुशासन, इसके कायदे कानून, इसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बहुत मजबूत थे, और ये गवर्नर जनरल के पद पर इसी वजह से 10 साल तक बना रहा। आप देख रहे हैं 13 से लेकर 23 तक, शायद ही अभी तक इतने लंबे समय तक कोई गवर्नर जनरल रहा। वो स्टार्टिंग वाला बात हटा दी, उसके बाद जितने लोग भी आए 4-6 साल, बहुत लोग तो ऐसे भी मिले जिनको साल 2 साल में हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे 10 वर्षों तक ये काम करता रहा, 28 युद्ध और 120 किलो को जीतकर इसने कंपनी के साम्राज्य में बहुत बड़ा विस्तार किया। अगर इसके बारे में आपको जानना हो कि सर 28 युद्ध में से कुछ युद्ध हमें बताइए जो इसके द्वारा लड़े गए, तो युद्ध तो बहुत सारे लड़े गए थे, लेकिन उसमें से 3 युद्ध याद रखना। सर 3 ही क्यों, देखो 3 इसके लिए लकी चांस था, 3 से 13, 3 से 23 और 3 से 3 युद्ध, ठीक है। ये 3 युद्ध जो था ये बड़ा लकी था,
अब हटाता हूं इसको, ठीक है, आगे बताता हूं आपको। तो तीन युद्धों के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हैं। कम से कम इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए और अति आवश्यक है। वो तीन युद्ध कौन से थे? सबसे पहला युद्ध दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध। चलिए आइए पढ़ते हैं सर आंग्ल नेपाल युद्ध क्या होता है। पहले युद्ध के बारे में बताता हूं आपको। आंग्ल माने अंग्रेज और नेपाल माने नेपाली सेना जो थी, ठीक है, नेपाल माने गोरक्षा, ठीक है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो था ये हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1814 से लेकर 1816 तक, 1814 से लेकर 1816 तक जो है आंग्ल नेपाल का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का एक और नाम है गोरखा का युद्ध। इसका एक और नाम क्या है? कभी कभी इसको गोरखा का युद्ध कहा जाता है। क्यों गोरखा का युद्ध कहा जाता है? क्योंकि नेपालियों की तरफ से गोरखाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? गोरखा का युद्ध। दोस्तों लड़ाई खूब चली, 2 साल तक भयंकर लड़ाई हुई गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में। अंततः 1816 में अंग्रेजों ने विजय हासिल कर लिया। विजय का एक संधि करना पड़ा उनको गोरखाओं के साथ, एक बहुत फेमस संधि जो अक्सर करके आपसे पूछता है एग्जाम में, सुगौली की संधि। कौन सी संधि है? सुगौली की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है दोस्तों, सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। आइए देखते हैं क्या है सुगौली की संधि, एक सेकंड आप वेट करिए, ठीक है दोस्तों। तो बात समझिएगा, तो यहां पर होता है सुगौली की संधि, ठीक है, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में जो युद्ध 2 साल तक लड़ा गया 1814 से लेकर 1816 तक, यह एक निर्णायक युद्ध हुआ। और 16 में यह सुगौली की संधि आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत 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 ज्यादा पूछता है। यह हुई कब थी? 1816 में। सर यह संधि इतनी निर्णायक क्यों है? आखिर इस संधि के बारे में ऐसा क्या है कि इतनी निर्णायक संधि है? दोस्तों है निर्णायक संधि, वजह क्या इसका निर्णायक होने, तो बात समझिएगा। इस युद्ध में गोरखाओं ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। जैसे गोरखाओं ने गढ़वाल को खो दिया, गोरखाओं ने कुमाऊं को खो दिया। मैं लिख देता हूं यहां पर, आप सुनिएगा ध्यान से। गोरखाओं ने क्या क्या खोया? गोरखाओं का जो मेन जगह थी कुमाऊं, इसको खो दिया। गोरखाओं ने गढ़वाल को खो दिया, ठीक है। गोरखाओं ने नैनीताल को भी खो दिया। गोरखाओं ने शिमला को खो दिया। गोरखाओं ने नैनीताल को खो दिया। नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, रानीखेत को खो दिया, ठीक है। ये सभी क्षेत्र जो है गोरखाओं को अंग्रेजों को देने पड़े, अंग्रेजों के हिस्से में ये सारे क्षेत्र चले गए। इसके अलावा गोरखाओं का जो हेडक्वार्टर था काठमांडू नेपाल, वहां पर ये भी हुआ कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा ताकि उन पर पूरा का पूरा कंट्रोल बनाया जा सके। तो याद रखिए काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, आप देखते होंगे कई जगह मैंने बताया आपको कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की व्यवस्था बनाई गई, तो यहां पर भी एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया, ठीक है। इस तरह से गोरखाओं का यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध शामिल हुआ। हालांकि इसमें से गोरखाओं के लिए एक थोड़ा सा लाभ जो अंग्रेजों ने दिया वो ये दिया कि गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और गोरखा जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर अन्य युद्धों में भाग लेने लगे। और गोरखा तो आप जानते हैं कितने शक्तिशाली होते थे, तो गोरखाओं के अंग्रेजों में सैनिक में भर्ती हो जाने की वजह से भारत को बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ा। और आगे 1857 की क्रांति तक ये गोरखा जो थे ये अंग्रेजी सेना के साथ थे, लेकिन 1857 की क्रांति में ये गोरखाओं को भी एहसास हुआ कि हमने गलत किया है, तो उन्होंने भी विद्रोह में शामिल हुआ। हालांकि उस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए बट स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, उसके बहुत सारे वजह थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक युद्ध था, ए था। इसके अलावा एक काम और यहां पर हुआ था, याद रखिएगा, सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। याद रखिए सुगौली की संधि के द्वारा ही सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो ये एक बड़ी जीत थी किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। मैंने आपको क्या बताया कि इसके पीछे जितने भी गवर्नर जनरल आए बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद से लड़ाइयां लड़ करके किसी राज्य को जीता हो। हर लोगों ने हस्तक्षेप की नीति करके इधर उधर का काम करके लड़ाइयां जीती हैं, ठीक है, कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ये हेस्टिंग जो है ये अपने लाइफ में 3 युद्ध सबसे बड़ा लड़ा और तीनों युद्ध जीता। तो एक युद्ध मैंने आपको बता दिया आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 तक, ठीक है, 2 साल तक लड़ा गया। दूसरा युद्ध कौन था सर? दूसरा युद्ध था आंग्ल मराठा युद्ध। ये हुआ था 1817 से 18 तक, ठीक है, मैं नोट करने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब इस युद्ध में क्या होता है? दूसरा है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध बहुत बहुत निर्णायक युद्ध था। अच्छा, आंग्ल मराठा के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, तो ये तीसरा था, तीसरा और आखिरी था, इसके बाद इन लोगों की कहानी खत्म हो गई। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817 से 18 के बीच में।
सर ये क्या था, आंग्ल मराठा युद्ध में क्या क्या था? तो जाहिर सी बात है, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ कि अंग्रेजों की लड़ाई किससे थी, मराठों के साथ थी। तो 1817 से 18 के बीच में युद्ध लड़ा गया और यह भी बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध शामिल हुआ, मतलब साबित हुआ। अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें तो ऐसी ऐसी बातें हुई जो मैं बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे। इस युद्ध में सबसे बड़ा जो निर्णय आया वो आया कि मराठा संघ की समाप्ति कर दी गई, जो मराठा संघ हुआ करता था, ठीक है, उस मराठा संघ को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, जो पेशवा का पद होता था, जब मराठा संघ टूट गया तो जो पेशवा का पद था इसको भी समाप्त कर दिया गया। ध्यान से सुनिए, मतलब समझ रहे, पूरा का पूरा मराठा यहां पर क्या हो गया, टूट करके बट रहा है, मराठा संघ टूट गया, ठीक है, पेशवाओं का पद टूट गया। अच्छा, जो पेशवा या जो मराठा रहे होंगे उस समय थे बाजीराव, तो बाजीराव को गद्दी से उतार करके, उस समय कौन था हेड, कौन था, बाजीराव, तो बाजीराव को, पेशवा को ये गद्दी से उतार करके इनको, कहीं कहीं लिखा है 8 लाख रुपया, ठीक है, कहीं कहीं लिखा 18 लाख रुपया, तो यार ये बड़ा मैं कन्फ्यूजन था, हालांकि इसका उत्तर मैं बहुत ढूंढना चाहा बट मुझे मिला नहीं, क्योंकि आधे इतिहासकार कहते हैं 8 लाख रुपया, आधे इतिहास कहते हैं 18 लाख रुपया, यार कुछ भी हो, मान लो 8-18 दोनों याद रखो, तो 8 लाख या 18 लाख के वार्षिक पेंशन पर अंग्रेजों ने इनको कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, कानपुर के पास एक जगह है कौन सा, बिठूर, उस बिठूर भेज दिया इनको उठाकर, और पूरी तरह से जो मराठा संघ था, जो पेशवा का पद था, ये पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए हो गया समाप्त। हाँ एक काम और किया कि जो सतारा नाम की एक जगह थी, यहां लिख दूं, यहां लिख दे रहा हूं, सुनना, एक काम यहां अंग्रेजों ने किया कि जो सतारा नामक जगह थी, इस सतारा नामक जगह को उठा के दे दिया, शिवाजी के वंशज थे, ठीक है, शिवाजी के वंशज थे, उनका नाम था प्रताप सिंह, क्या नाम था, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह को उठा के दे दिया गया ये सतारा वाला बेल्ट, बाकी इधर का मराठा संघ पूरी तरह से खत्म हो गया। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो एक निर्णायक युद्ध निकला, और उसके अलावा आंग्ल नेपाल युद्ध था वो भी एक निर्णायक युद्ध निकला, तो क्या ये निर्णायक युद्ध थे? जी हाँ, क्योंकि ये ऐसे युद्ध थे जिसमें अब दोबारा इब्बट का कोई चांस नहीं था। इसके पहले भी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 2 युद्ध हो चुके थे बट तो किसी न किसी संधि से समाप्त कर दिए जाते थे। इस बार तो हेस्टिंग्स ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि पूरे मराठा पद को ही समाप्त कर दिया, भंग कर दिया, पूरा का पूरा संघ भंग कर दिया, पूरा का पूरा पद ही समाप्त कर दिया और बैठा दिया ले जाके कहां पर, वार्षिक पेंशन देकर बिठूर में, जाओ बैठो, काम खत्म। तीसरा युद्ध कौन था? तीसरा युद्ध बहुत फेमस युद्ध है और इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन मूवी भी बन चुकी है। मुझे नहीं पता कि वो फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई बट मैं उस समय इंटरमीडिएट में था जिसमें मूवी रिलीज हुई थी, बहुत बेहतरीन मूवी रिलीज हुई थी, और उस समय मैं हॉस्टल में रहा करता था और हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था और बहुत मुसीबत होती थी, तो लेकिन फिर भी मैं हॉस्टल की दीवार डाक करके गया था मूवी देखने के लिए। उस मूवी का नाम था वीर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वीर, बहुत बेहतरीन मूवी है, सलमान खान की मूवी है, और उस वीर की मूवी में, बाबा आपको नाम भी याद आ रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ पिंडारियों की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पिंडारियों की। तो पिंडारियों का दमन किसने किया था, याद रखिए वो नाम भी आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, आखिरी इसकी लड़ाई थी, ठीक है। अच्छा, पिंडारियों का दमन, यहाँ लिखिए पिंडारियों का दमन, वो भी लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया था। अच्छा, इनके दमन में कब किया गया था, तो सेम जो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उसी समय जो है इनका दमन भी हुआ था, 1817 से 18 में। हालांकि पूरी तरह से जो जमन हुआ, दमन हुआ, इनको हटाने में, पूरा का पूरा समाप्त करने में 1824 तक जो इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। लड़ाइयां तो 1817 से 18 तक ही चली बट पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पिंडारी माने क्या होता है, क्योंकि अभी मराठा माने आप जानते हो महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाले एक उनका भाषाई समूह होता है, भाषा के समूह के लोगों को मराठी कहा जाता है, ठीक है, जो मराठा भाषा बोलते हैं, तो ऐसे होता है। लेकिन ये पिंडारी क्या होते हैं, तो पिंडारी क्या होते थे, ये पिंडारी जो शब्द है ये भी एक तरह का मराठी शब्द ही है, ठीक है, पिंडारी क्या है, एक तरह का मराठी शब्द ही है और उत्पत्ति भी इसकी मराठी शब्द से हुई। जब मराठी शब्द ही है तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मराठी शब्द से हुई है। हाँ, लेकिन याद रखिए पिंडारी का अर्थ होता है लुटेरे, पिंडारी का अर्थ क्या होता है, लुटेरे, ठीक है। ये लुटेरे हुआ करते थे और ये अनेक राज्यों पर जो हमला करके उनकी सारी संपत्तियों को, धन दौलत को लूट लिया करते थे। हाँ, एक चीज थी कि इस लुटेरों में हिंदू और मुस्लिम या हम कहें लगभग समस्त धर्म के जातियों के लोग शामिल थे, इनका कोई एक दल नहीं होता था कि नहीं केवल हिंदू हैं, केवल मुस्लिम हैं, नहीं, पिंडारी जो होते थे ये तमाम जातियों के एक साथ लोग रहा करते थे। सबसे पहले पिंडारियों को उल्लेख कहां मिलता है, तो इनका उत्थान जो हुआ है ये औरंगजेब के समय से हुआ है,
औरंगजेब बोले तो सन 1600 के आसपास, 1600 का अंतिम पीरियड जो चल रहा था, 1707 में औरंगजेब मर गया, तो उस टाइम में मतलब जो 1600 का आखिरी पीरियड था उसमें जो है इन लोगों के उत्थान का पता चलता है, पहली बार पिंडारियों का नाम सामने आया। और लगभग 100 सालों तक या 125 सालों तक पिंडारियों ने अपना राज किया और बहुत बड़ा बोलबाला बना लिया था, बहुत बड़ी इनके पास सेना हुआ करती थी क्योंकि लुटेरे थे। अच्छा, इस तरह का लूटपाट जो है और कौन करता था, तो जो मराठे होते थे वो भी किया करते थे, ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, वो लोग भी क्या करते थे, अनेक राज्यों पर हमला करते थे और चौथ जानते हैं ना, चौथ वसूला करते थे। तो हालांकि इसके बदले में वो जो भी राज्य उनको चौथ देता था उनके ऊपर नहीं हमला करते थे, उनकी रक्षा करते थे, जो चौथ का भुगतान नहीं करता था ठीक है उनके ऊपर हमला करते थे और उनके राज्य को परेशान करते थे। तो उसी तरह से कुल हालात कुछ इनके भी थे, पिंडारियों के भी थे, हालांकि इनके इनके ऊपर सपोर्ट भी मराठों का रहा करता था क्योंकि मराठियों से ज्यादा बिलोंग करते थे, ठीक है। और स्पेशली अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र जो है मध्य भारत वाला क्षेत्र पूरा था, मध्य भारत मतलब वही महाराष्ट्र हो गया, कुछ बेल्ट हो गया, एमपी का बेल्ट हो गया, ठीक है, ये सारे बेल्ट में ये लोग फैले हुए थे। बात आती है कि सर इनको क्या इनको मराठों से सपोर्ट मिला था, हाँ मराठों से भी सपोर्ट मिला था इनको, आपने नाम सुना होगा मल्हार राव होलकर का, मल्हार राव होलकर का, नहीं सुना तो सुन लीजिए, मल्हार राव होलकर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये जो है कौन से वंश से थे, होलकर कहां से होते थे, बिलोंग करते थे इंदौर के पास से बिलोंग करते थे, ठीक है होलकर। तो यहां पे कह रहा कि मल्हार राव होलकर ने इनको एक सुनहरा झंडा भी दिया था, क्या दिया था, सुनहरा झंडा भी दिया था, किस लिए, अरे इनकी उन्नति प्रोन्नति के लिए खुश होकर, ठीक है, सुनहरा झंडा भी दिया था। इसके अलावा अच्छा, इनका जब समाप्ति होता है तो आपको पता है 1817 से 18 के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा था, पहले आंग्ल मराठा नहीं चल रहा था, पहले पिंडारियों का दमन चल रहा था, ठीक है, पहले पिंडारियों का दमन चल रहा था जिसमें हेस्टिंग ने मराठों से सहयोग भी लिया, पहले इनको दबाया फिर उसी साल मराठों को भी दबा दिया, दोनों काम किया उसने, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, तो सुनहरा झंडा भी इसको मिला हुआ था। अच्छा, कुछ लोगों का और मानना है, मैलकम एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था, उसका कहना था कि मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते हैं पिंडारी, क्या है, अगर मराठा शिकारी हैं तो उन शिकारियों के शिकारी कुत्ते कौन हैं, ये पिंडारी हैं, पिंडारी तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है, तो पिंडारी हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, एक चीज ये हो गया, दूसरी चीज, अच्छा अंत इसका बता दूं मैं, देखो इन लोगों का जो क्षेत्र फैला था ये केंद्रीय भारत का क्षेत्र था, मध्य भारत का क्षेत्र था। अच्छा, इनके कुछ नेताओं का नाम याद रखो, जैसे एक नेता का नाम था करीम, मैं लिख दे रहा हूं और अभी उनके बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी आपको बताऊंगा। तो एक का नेता का नाम था करीम, ठीक है, नाम याद रखिएगा। दूसरे का नाम था वसीम मोहम्मद, क्या नाम था, वसीम मोहम्मद, ठीक है, ऐसे मोहम्मद लिख दूं कोई दिक्कत आपको, वसीम मोहम्मद। तीसरे का नाम था चीतू, ठीक है। ये कई सारे जो है ये पिंडारियों के नेता थे, क्या थे, ये पिंडारियों के नेता थे, नेता थे, ठीक है, ये नेता थे। तो जिस समय हेस्टिंग ने अपनी पूरी की पूरी फौज तैयार की कि अब हमको क्या करना था, हमको चल के लड़ाई करना है, भाई उसके मन में लड़ाई करने के लिए क्या आया, क्यों ये पिंडारियों का दमन करना चाहता था, कि प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि जो पिंडारी थे ये मध्य भारत में रहते थे और मध्य भारत के अगल बगल के जो क्षेत्र, जैसे आप पूरब की तरफ चले जाओ तो बुंदेलखंड, पश्चिम की तरफ चले जाओ गुजरात, दक्षिण की तरफ चले जाओ तो निजाम, तो इन सभी क्षेत्रों पर समय समय पर हमला करते थे, राजपाट को लूट लिया करते थे। तो ऐसे में हेस्टिंग ने प्रण लिया कि हम जो इसका दमन करके रहेंगे, ठीक है, और उसके दमन करने के लिए मराठियों से हेल्प भी लिया और एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। मैं अगर हेस्टिंग के सेना के बारे में आपको बताऊं तो हेस्टिंग की सेना में लगभग 1,00,000 से अधिक लोग थे, कहा जाता है कि 1,20,000 की सेना और 300 तोपों की टुकड़ी लेकर निकला था, कौन, ये हेस्टिंग पिंडारियों के दमन के लिए कितनी बड़ी सेना लेकर गया था, तो याद रखिए 1,00,000 की सेना, 1,00,000 की सेना और 300 तोपों को लेकर के गया था कि हम पिंडारियों का दमन करेंगे। और इसके लिए उसने बहुत बड़ी रणनीति भी बनाई, रणनीति क्या बनाई, इस अपने पूरी की पूरी सेना को दो टुकड़ियों में बांट दिया, एक टुकड़ी का वो खुद हैंडलिंग कर रहा था। सोचो पहली बार ऐसा हुआ, अभी तक क्या होता था कि गवर्नर जनरल जो होता था वो दूर से बैठकर तमाशा देखता था और सेनापति जाके लड़ाई करते थे, हेस्टिंग जो था वो ऐसा नहीं था, हेस्टिंग खुद कूद पड़ा लड़ाई में, हम जाएंगे लड़ाई करने, उसका मतलब पर्सनली दुश्मनी जो कहते हैं। तो इसने क्या किया, सेना को दो टुकड़ियों में बांट दिया, जो उत्तरी दिशा की तरफ से घेर रही थी पिंडारियों को उस टुकड़ी का कौन चला रहा था, निर्देशित कौन कर रहा था, लॉर्ड हेस्टिंग कर रहा था, और जो दक्षिणी दिशा की टुकड़ी थी उसको एक अलग सेनापति था जिसका नाम था थॉमस हिस्लोप, क्या नाम था, दूसरे वाला का नाम याद रखो। तो पहले वाले को तो हेस्टिंग कर रहा था और दूसरे पर हेस्टिंग जो कर रहा था उत्तरी तरफ से, ठीक है, और दक्षिणी की तरफ से कौन कर रहा था, तो थॉमस
थॉमस हिस्लोप, क्या नाम था? हिस्लोप, स्लोप, स्लोप माने सरकना, हो स्लोप याद रखो, हिस्लोप, ठीक है, थॉमस हिस्लोप कर रहा था। तो ये लोग मिलकर कर रहे थे और इन्होंने दोनों तरफ से क्या कर लिया, पिंडारियों को घेर लिया, उत्तर तरफ से भी घेर लिया और नीचे दक्षिण तरफ भी घेर लिया, और इधर पश्चिम की तरफ मराठे थे वो कूद पड़े, अब पूरब की तरफ इनको जाना नहीं था क्योंकि बंगाल उड़ीसा वाला पूरा बेल्ट इनका था अंग्रेजों का। तो चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया, उसके बाद क्या किया, एक एक करके पिंडारियों दमन करना शुरू किया, एक एक करके पिंडारियों को मारना शुरू किया। पिंडारियों को मारने के बाद क्या हुआ दोस्तों, कि एक एक की अब कहानी बताता हूं क्या हुआ किसके साथ। चित्तू पांडे अपनी जान बचाने के लिए आसीरगढ़ के जंगल में भागा, कहां भागा, आसीरगढ़ के जंगल में भागा, आसीरगढ़ का जो जंगल था वहां चित्तू पांडे को चीतू से चीता खा गया। चीतू पांडे को कौन खा गया, चीतू पांडे ऐसे मत बोलो, चीतू नाम था, चीतू पांडे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो चीतू जो था, चीतू को एक चीता खा गया। अब बात आती है यार कि वसीम मोहम्मद का क्या हुआ, तो वसीम मोहम्मद जो है ये भाग करके शरण लेने पहुंचा सिंधिया के पास, ठीक है, सिंधिया के पास पहुंचा, ठीक है, कि भैया हमको शरण दे दो। सिंधिया ने अपने पास रखा, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि ये जाके सिंधिया के पास छिपा हुआ है, अंग्रेजों ने सिंधिया से कहा, सिंधिया तुरंत सिंधिया का कहे भैया ये वसीम मोहम्मद को पकड़ो, और तुरंत वसीम मोहम्मद को पकड़ा गया वहां से और भेज दिया गया इसको गाजीपुर की जेल में। कहां भेजा गया, गाजीपुर की जेल। अब इसको मन में इतना बड़ा आघात पहुंचा, यार हम इतने बड़े नेता जेल में आ गए, इन्होंने वहीं पर क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, इनकी भी कहानी खत्म। बात आती है अब करीम का क्या होगा भैया, करीम भैया क्या होगा, करीम भैया कहां से, करीम भैया इन दोनों की हालात देखकर अपने आत्मसमर्पण कर दिया, चलो हम गिन पड़े भैया हमको बचा लो, हम जो है आपके साथ रहेंगे। अंग्रेज कहें ठीक है, अच्छा तुम साथ में हो, तुमको नहीं मारेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको जागीर दे दिया गोरखपुर के पास की, एक जागीर उठा के दे दी, जाओ तुम जियो खाओ, ठीक है, जो झुक गए वो जियो खाओ जाके। तो ये हालात हुए जो है पिंडारियों के। तो इस तरह से पिंडारियों का पूरी तरह से दमन हो गया। आखिरी समय जो पिंडारियों का था दमन करने में, कुल इनको सन कौन सा लग गया, 1824 तक में पिंडारियों का पूरी तरह से दमन कर दिया गया। तो किसने किया था, याद रखिए तो हेस्टिंग ने किया था, ठीक है, आइए पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो तीन युद्ध जो इसके द्वारा विशेष कर लड़े गए, उन तीनों युद्धों के बारे में आपको डिटेल से बता दिया, कोई अगर इफ बट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप, ठीक है, ये तीनों युद्धों के बारे में बता दिया। सर हेस्टिंग ने और क्या किया, तो हेस्टिंग के समय बड़ा काम हुआ था, सन 1818 में बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है, 1818 में बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखे दोस्तों, 1818 से मुझे एक बात और याद आ गया, 1799 में लॉर्ड वेलेजली जो है भारत का गवर्नर जनरल था, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने अपने शासन के दौरान क्या किया था कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बुरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इस 1818 में ये लॉर्ड हेस्टिंग ने उस प्रेस से प्रतिबंध को हटा लिया, प्रेस से प्रतिबंध को हटा लिया, कि नहीं प्रेस वाले प्रतिबंधित नहीं, इनको क्या प्रतिबंध को क्या कर लिया, हटा लिया, किसने, हेस्टिंग ने, जो कि लगा कब था, तो 1799 में लगा था, लगाया किसने था, तो लॉर्ड वेलेजली लगाया था, ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो 1818 दोनों है, इसलिए 18 से याद आएगा ना तो दिमाग से उतर जाता। अगला काम क्या हुआ फेस्टिंग के समय, एक बहुत बड़ा काम हुआ था, देखो अभी दिमाग से उतर गया, एक बहुत बड़ा काम हुआ था, बता रहा हूं, चलो मिटाता हूं पहले, अभी याद था दिमाग में, ये पता ही अचानक से बात आ गया ना, उसके बाद से वो बात स्किप कर गया। बहुत बड़ा काम था यार, 1818 में हुआ, 1818 तक तो हो गया कहानी, 1819 में कुछ नहीं हुआ, 1820 में भी कुछ नहीं हुआ, 1820 22 में, हाँ याद आ गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्टार्ट हुआ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम सुना था ना, अरे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था स्थाई बंदोबस्ती की व्यवस्था। ये सब क्या थे, ये सब लगान वसूलने के तरीके थे, कुछ नहीं, इसके बारे में आप पढ़ाया हूं, बहुत डीप जाके पढ़ाया हूं, आप जाके वीडियो देखिए, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थाई बंदोबस्ती सब पढ़ाया हूं, बढ़िया से पढ़ाया हूं। अब नहीं पढ़ोगे यार उसमें मैं कितना आपको क्या कर दूं, बताओ, पढ़ना आपको है, मटेरियल आपको दिया जा रहा है, इतना अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके बाद भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो पहले एक प्रचार कर लेते, नहीं प्रचार नहीं, पहले पढ़ा लेता हूं, भूल जाऊंगा अभी, रैयतवाड़ी इतना मेहनत से याद है। तो रैयतवाड़ी क्या थी दोस्तों, तो रैयतवाड़ी लगान वसूलने का एक तरीका था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया किसने, इसके शासन काल में शुरू हुआ, लेकिन इस व्यवस्था को चालू किया था मुनरों ने, किसने चालू किया था, मुनरों ने चालू किया था, ठीक है, मुनरों ने चालू किया, ठीक है,
कौन सी व्यवस्था? रैयत वाड़ी व्यवस्था। रैयत वाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट किया था? तो 1820 से स्टार्ट हुआ था और 27 तक चला। ठीक है, ये व्यवस्था स्टार्ट कहाँ की गई थी? तो ये व्यवस्था चालू की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए। किसके लिए? मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए, क्योंकि उत्तर भारत में जो है वो अस्थाई बंदोबस्ती वाला ही चल रहा था। इसको कहाँ लागू किया गया? इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, पहली बार व्यवस्था आई थी? नहीं, इसके पहले भी इस व्यवस्था की चर्चा हो चुकी थी। ये व्यवस्था की शुरुआत भारत में किया था कर्नल रीड ने। इस व्यवस्था की शुरुआत किसने भारत में किया था? कर्नल रीड ने किया था। कर्नल रीड नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किया था इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। वो भी किया कब था? 1792 में, बहुत पहले। अस्थाई बंदोबस्ती से पहले इसका कॉन्सेप्ट आ चुका था 1792 में। और उस समय इसको बंगाल के मद्रास के एक जिला था, 12 महल जिला, वहां पर लागू भी किया गया था। तो वो एक प्लानिंग चल रहा था कि यहां पर लागू किया जाए, देखा जाए, अगर व्यवस्था अच्छी रही तो अगले आने वाले समय में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी व्यवस्था लागू कर देंगे। तो उस समय जो है केवल 12 महल जिले तक यह व्यवस्था सीमित थी। यह भी कहां पड़ता था? यह मद्रास में ही था। ठीक है, बाद में जो है मुंडो ने क्या किया, इस व्यवस्था में विस्तार किया और इसको लेके आ गए सामने। चलो 1822 भी याद कर लो, इसी व्यवस्था से याद आ गया, लगान से वर्ड याद आ गया, बंगाल टेनेंसी एक्ट। सर यह क्या था? बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसको काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, बंगाल का काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, बंगाल टेनेंसी एक्ट या बंगाल काश्तकारी अधिनियम। एक्चुअली में टेनेंसी एक्ट क्या था? तो आया था 1822 में। ठीक है, टेनेंसी एक्ट कब आया? टेनेंसी एक्ट ये आया था 1822 में। ठीक है, इसमें कहा क्या गया? आपको पता होगा पिछले समय हम लोगों ने पढ़ा कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। नहीं, यहां कहा गया नहीं, जो किसान है उनको भूमि से बेदखल करना गलत है, उनकी बेदखली को समाप्त कर दिया गया और वास्तविक जिसकी भूमि है उसी को उसका हेड माना गया। ठीक है, तो ये बंगाल का टेनेंसी एक्ट आया था, तो काफी अच्छा एक्ट था। पूछता है नॉर्मली आपसे कब आया था, किसके शासन काल में आया था, तो हेस्टिंग वाले में आया था। इतना बात तो याद रहेगा, 1300 से 1923 तो याद ही रहेगा आपको। अब इतना भी ना याद रहे तो यार क्या करूं, अब बाकी आपको प्रेस के प्रतिबंध के बारे में बता ही दिया हूं और बस इतना ही चीजें था। अगर कुछ और भी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो आ जाता हूं प्रचार पे, पहले अभी और पढ़ना है। अरे मत अभी एमएस के बारे में बताता हूं, अब आते हैं प्रचार के ऊपर। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि प्लीज अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है ना तो आप उस एडवर्टीजमेंट को पूरा देखा करें। क्या होता है ना, देखो एडवर्टीजमेंट से ही हमें थोड़ी इनकम होती है और उसी इनकम से हम बेहतर काम करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, अभी हमें कैमरे की जरूरत थी तो कैमरे में आप सभी का सहयोग मिल गया, कुछ ही सहयोग मिल पाया, फिर भी मैं कर्ज में था, लेकिन अभी क्या हुआ वो चीज मैं बैलेंस कर लिया। आगे मेरा फोकस जो है वो किस पर है, तो आपको जो नोट्स है मेरा ये प्रोवाइड करना है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करना है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना है। तो जैसे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं इसी तरह से ये सब काम जो होगा बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे। अगर मैं अमाउंट भी रखूंगा, क्या ना कभी वेबसाइट बन रही है तो अगर मैं अमाउंट भी रखता हूं तो कितना रखूंगा, 5 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 10 रुपया ऐसा अमाउंट रखूंगा कि आप सभी जो है कोई फील ही ना हो आपको कि सर मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना आप लोग कर सकते हो। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर आप पैसे क्यों रखोगे? यार देखो कुछ पैसे से क्या करूँगा ना, उस पैसे से मैं दूसरा काम करूँगा और वो भी काम आपके लिए होगा। जैसे जैसे आपका कोई एग्जाम होता है उसके लिए स्पेशली आपको कुछ अगर ऐसा नोट्स बना के दे दूँ, ये 10 पन्ना पढ़ लो उठा के, पता है मुझे कौन से एग्जाम में क्या आएगा, इतना पढ़ाते पढ़ाते इतना नॉलेज तो हो गया कि उसका लेवल क्या है, किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका लेवल क्या है। तो अगर वो लेवल मैं आपको तैयार करके दे दूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मुझे क्वेश्चन छांटना होगा, मुझे पिछले 10 सालों का पेपर उठा के रिव्यू करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों से बना बुलवा करके टाइपिंग करवाना पड़ेगा, तो सब काम करवाऊंगा, तो उसके लिए मैं बार बार पैसे कहां से पाऊंगा बताओ। अगर मैं बाहर कहीं नहीं पढ़ाता हूं, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर चलता है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आपसे कोई कैश फॉर्म में पैसा लूं, मैं तो बस खाली इतना मदद कर रहा हूं कि आपको सारी क्लास फ्री में दे रहा हूं, पूरी क्लास, कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब मेरे यहां कोई पेनड्राइव कोर्स नहीं, ना आज है ना कभी जिंदगी में होगा कोई पेनड्राइव। क्या मतलब पेनड्राइव कोर्स करने का, मैं ये सोचकर पढ़ाता हूं कि नहीं मैं, मेरे देश में क्या होगा, शिक्षा का विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे तो हमारे देश की जो समस्याएं हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, जितनी भी समस्या है, चाहे वो जनसंख्या की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे आतंक बात का है, चाहे जो कुछ भी मुद्दा है भ्रष्टाचार का, करप्शन का, अशिक्षा का, सब खत्म हो जाएगा। सबका एकमात्र सोर्स क्या है, शिक्षा। अगर लोग शिक्षित हो जाएं, लोग अपने आप जो है सही काम करने लगेंगे, बढ़िया काम करने लगेंगे। चलो आ जाते हैं हमने टॉपिक पर। तो आप क्या करिएगा, वहां पे कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो उसको स्किप मत किया करिए, कोशिश क्या करिए जहां पे एडवर्टीजमेंट आता है उसी के ऊपर 3 पॉइंट दिया रहता है, उसी के बगल में एक ऑप्शन देता है विजिट एडवर्टीजमेंट, उस पर आप विजिट कर लिया करिए तो थोड़ा सा हमारा और फायदा हो जाएगा। ठीक है, और या तो अगर आप दिन भर में 5 मिनट खाली आप हमको दे दीजिए ना, कसम से मैं तो जान लो तहलका मचा दूंगा भारत में, पूरे भारत में तहलका मचा दूंगा, और सिलेक्शन तो इसी चैनल से मिलेगा। आओ पहले
अपने मुद्दे पे बात करते हैं। तो हम चल रहे हैं दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट को पढ़ने, लेकिन इसके पहले कुछ समय के लिए एक अस्थाई गवर्नर भी आया था जिसका नाम था लॉर्ड एडम्स। क्या नाम था? लॉर्ड एडम्स। उनको उनका नाम मैंने यहाँ नोट नहीं किया, ठीक है, तो अभी आप पढ़ लीजिए। लॉर्ड एडम्स ये क्या थे, ये कैसे गवर्नर थे? ये अस्थाई थे। कैसे थे? अस्थाई थे, इसी वजह से इनका नाम मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया। केवल 7 महीनों के लिए भारत में आए थे, वही 1823 में हो जाते हैं, 23 में आते हैं, 7 महीने तक रहते हैं। क्या इन्होंने 7 महीने में कुछ उलट फेर वाला काम किया? हाँ किया ना, बेकार काम ये किया कि प्रेस को फिर से प्रतिबंधित कर दिया, उठा करके प्रेस को फिर से प्रतिबंधित कर दिया। अरे एक बार वेलेजली ने किया था, दोबारा आके छुड़ाया हेस्टिंग ने, दोबारा आके फिर 23 में, अभी वो छुड़ाया ही था, अरे 1818 में छूटा था प्रेस का प्रतिबंध जो था, ये 1818 में हटा था, तब तक 1823 में फिर लग गया, अभी 5 साल हुआ था तब तक फिर लग गया। अब आगे चल के देखो क्या होता है, ठीक है, आगे 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 क्या होगा आगे पढ़ना। मेटका पोटका में बहुत सारा काम हुआ है, तो ये सारा चीज हुआ है। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल थे उनके बारे में यहाँ लिखा ही है लॉर्ड एमहर्स्ट, तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड एम, इनको मिटा दे रहा हूँ इधर से, ठीक है, और इधर से अब बस खाली इतना ही देखो आप। तो लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, बात आती है सर इनका टाइम पीरियड क्या था, वही 23, अभी 23 ही चल रहा है। अरे 23 के स्टार्टिंग में चले गए हेस्टिंग, लॉर्ड एडम्स आ गए, और फिर 23 ही चल रहा था कि है 23-5-28, ठीक है। तो 1823 से लेकर 1828 तक जो है ये भारत में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। क्या इनके समय में भी सर कोई अच्छा काम हुआ है? हाँ, एक ही युद्ध लड़ा गया इनके समय में, उस युद्ध का नाम है आंग्ल वर्मा युद्ध। क्या नाम है? चलो यहां देखो ध्यान से, इनके समय में जो युद्ध लड़ा गया वो कौन सा युद्ध है? आंग्ल वर्मा युद्ध। वर्मा किसको बोला जाता था? म्यांमार को बोलते थे। वर्मा किसको बोलते थे? म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को वर्मा बोला जाता था। तो आंग्ल वर्मा का युद्ध यहां पे लड़ा गया 1824 से 26 के बीच में। कब से कब तक? 1824 से 26 के बीच में आंग्ल वर्मा का युद्ध लड़ा गया। हालांकि ये युद्ध की समाप्ति कब होती है? जब इसका आखिरी पॉइंट होगा, यही समाप्ति का टाइम है। और इस समय एक संधि भी हुई थी, यांगडबू की संधि। कौन सी? यांगडबू की संधि, ठीक है। पहली बात की यांगडबू की संधि में क्या होता है ये बता दूं, और एक चीज और बता दूं, इसमें एक विद्रोह भी हुआ था। देखो होता क्या है, पूरी कहानी सुनिएगा। आंग्ल मतलब अंग्रेज और बर्मा यानी म्यांमार, बर्मा और म्यांमार को लेकर के एक युद्ध होता है, ठीक है। ये अपनी कंपनी का विस्तार करते करते कहां पहुंच गए थे? अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड सब पार कर गए थे, बर्मा तक जा रहे थे फैलते हुए। तो इनका लड़ाई हो गया वर्मा के साथ। वर्मा के साथ जब लड़ाई हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी एक सेना को टुकड़ी को ऑर्डर दिया जो कि बैरकपुर में रहती थी, उनको ऑर्डर दिया कि तुम लोग जो रंगून जाओ। कहां पे जाओ? तुम लोग चले जाओ रंगून। रंगून क्या था? रंगून इसकी राजधानी हुआ करती, मेरे पिया गए रंगून, उसी का बोल रहा हूं, ठीक है। तो रंगून जहां पे बहादुर शाह जफर को ही बाद में अंग्रेजों ने भेजा, तो अंग्रेजों की टुकड़ी को ऑर्डर दिया कि तुम रंगून चले जाओ। अंग्रेज क्या, सॉरी अंग्रेज नहीं, सॉरी सॉरी, जो भारतीयों की टुकड़ी थी बैरकपुर में, उनको ऑर्डर दिया कि आप कहां चले जाओ? आप चले जाओ रंगून। उस समय हमारे देश में क्या मानसिकता थी, ये जो समय चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र को पार करेगा तो मर जाएगा, वो विधर्मी हो जाएगा, यानी वो धर्म का उल्लंघन करेगा। तो कोई भी व्यक्ति इस समुद्र को पार नहीं करता था, जो समुद्र होता था भारतीय सीमा के चारों तरफ, उस समुद्र को लांघता नहीं था। जब अंग्रेजों ने यहां पर क्या किया, ऑर्डर दिया कि नहीं तुमको जाना ही जाना है, तो लोगों ने उन समुद्र को लांघने से मना कर दिया, और सैनिकों ने खुद एक विद्रोह खड़ा कर दिया जिस विद्रोह का जाना जाता बैरकपुर के विद्रोह के नाम से। यह विद्रोह भी 1824 में हुआ था, यह लड़ाई शुरू ही इसके शुरुआत में यह विद्रोह हो गया, ठीक है। तो 1824 में याद रखिए यह विद्रोह हो गया, और किसने किया था? तो बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे वो सब किए। गुस्सा गया लॉर्ड एमहर्स्ट, गुस्सा गया, एक तरफ से सारी सेनाओं को गोली मरवा दिया, तोपों से उड़वा दिया, गोली मरवा दिया, ऐसा काम कर दिया, ठीक है। तो मामला क्या था समझ गए, समुद्र की सीमा को लांघने से इन लोगों ने मना किया, क्योंकि इन लोगों का मानता था कि हमारे धर्म के खिलाफ है। इसी को विद्रोह मान लिया गया, और इस विद्रोह को समाप्त भी कर दिया गया बहुत जल्दी। बाकी सेना तैयार किया गया कि नहीं हमको वर्मा से लड़ाई करनी ही करनी है। तो फाइनली वर्मा से लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में वर्मा जो है हारता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज जो है यांगडबू की संधि भी करते हैं, और इस संधि के अनुसार बहुत सारा क्षेत्र जो है अंग्रेजों को मिल जाता है। आप कहोगे सर कौन कौन सा क्षेत्र? तो अंग्रेजों के हिस्से में आता है भाई असम। क्या आता है? असम। अंग्रेजों के हिस्से में आता है जयंतिया,
जयंतिया, अरे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी सुनो ना, वो जयंतिया अंग्रेजों के हिस्से में आता है केचर। ये सभी जगहों पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और मणिपुर स्वतंत्र हो जाता है। मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है मणिपुर। तो आपको याद होगा दोस्तों, अभी हम पीछे जब आंग्ल नेपाल युद्ध की बात कर रहे थे उस समय सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य बना था, ठीक है। और ये आर्महस्ट वाली जो लड़ाई हुई एमहस्ट के द्वारा, ये आंग्ल वर्मा युद्ध, इसमें मणिपुर क्या है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हमारे सामने आया। ये हुआ प्लस युद्ध हारने के बाद यांगडू संधि में एक सबसे बड़ी बात और कहा गया, 1 करोड़ रुपया हर्जाना मांगा गया वर्मा से कि हमारे कंपनी ने क्या किया, 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, ये हर्जाना भी तुम भरोगे। हर्जाना भरो, नहीं भरोगे फिर मारेंगे पटक के। तो इन लोगों ने हर्जाना भी भरा। कुल इस तरह से कहानी होती समाप्त। एक काम और इनके समय हुआ, एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी एमहर्स्ट के समय में, क्या हुआ था कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है, एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके पहले जोनाथन डंकन उनकन वाला तो याद होगा आपको, जो बना था संस्कृत कॉलेज, ठीक है, तो वो भी वहीं पे था। तो ये सब याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ ही वीडियो हो जाता है समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग पहुँच गए हैं 1828 पर, और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विलियम बेंटिक के बारे में। किसके बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अभी तक क्या था, ये लोग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लोग बोलते हैं भारत के गवर्नर जनरल, लेकिन अगर आपसे किताबों मतलब पूछे आपसे एग्जाम में कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना लिया गया। क्यों, अब इनकी सीमा का विस्तार इतना ज्यादा हो गया था, उधर बर्मा से लड़के आ रहे हैं, उधर नेपालियों को हरा दिए हैं, उधर जो है पूरा राजस्थान और उधर जम्मू साइड पूरा का पूरा जीत लिया है, नीचे अराठा मराठा खत्म कर दिया, शासन भंग कर दिया है, नीचे निजाम सिजाम जो है सरेंडर कर गए हैं, इधर उड़ीसा बंगाल की तो बातें खत्म हो गई, इधर जो है मुगल सम्राट थे इनकी भी कहानी खत्म हो गई, पेंशन दे देकर हटा दिए, बचा क्या है, जो छोटे मोटे देशी राज्य थे, देशी राजे रजवाड़े थे, वही बचे हैं। अब क्या करेंगे, जब ये लोग पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे तो वही जो छोटे छोटे राजा हैं, जैसे झांसी की रानी अपना विद्रोह करेंगी, कानपुर से विद्रोह हो गया, अवध से विद्रोह हो गया, लखनऊ से विद्रोह हो गया, बिहार से विद्रोह, यही सब होगा छोटा छोटा, ठीक है, ये लोग विद्रोह करेंगे। अब जब पूरा भारत को इन्होंने क्या कर लिया, पूरा जकड़ लिया, तो छोटे छोटे विद्रोह को दबा नहीं देंगे, तो एक एक ठोकर के धीरे धीरे सबको दबा देंगे। तो यही 1857 की क्रांति का एक नुकसान, बैकफुट यही था, हमारा कमी यही थी कि ये जो क्रांति थी ये एक समय पर एक साथ नहीं हुई। एक समय पर एक साथ हुई होती तो शायद ये बहुत बड़ा विद्रोह हो गया होता और अंग्रेजों के यहां से भागना पड़ जाता, क्योंकि एक ऐसी, अंग्रेज खुद कहते थे कि 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी कि उस आंधी में हम सभी उड़ जाते हैं अगर ये विद्रोह एक साथ हो गए होते तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। चलिए इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज दोस्तों आप शेयर जरूर से करिएगा, ठीक है, ताकि हमारे और भी भाई बंधु ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता यार, तो वो भी पढ़ पाए ना, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।